वो मेरी बाहों में कुछ इस कदर समा चुका था, वो मेरी बाहों में कुछ इस कदर समा चुका था कि आंखें खोली मैंने और वो बहुत दूर जा चुका था। हद की हदों को पार करने मैं आया हूं इश्क बेशुमार करने, हद की हदों को पार करने मैं आया हूँ इश्क बेशुमार करने, और बच के रहना है हुस्न वालों, बच के रहना है हुस्न वालों, मैं आया हूँ आज एक इजहार करने। जब जब तेरा दुपट्टा सर से यूं सरकता है, जब जब तेरा दुपट्टा सर से यूं सरकता है, जिस जिस की नजर पड़ती है तुझको शेर नजर वो करता है। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब ये तो सादगी थी, बेवफाई भी सुन लीजिए। कहता हूं कि तेरी बेवफाई तो तेरा दुपट्टा ही दिखा गया, तेरी बेवफाई तो तेरा दुपट्टा ही दिखा गया, तू तो बहुत सीधी है। अरे हाँ हाँ, तू तो बहुत सीधी है, कमबख्त मैं ही धोखा खा गया। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल अर्ज़ करता हूँ। एक्चुअली इस गज़ल को वो लोग जिनकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कि मोहब्बत लिखने से कतराता हूँ मैं, मोहब्बत लिखने से कतराता हूँ मैं, कुछ इस कदर उसकी यादों में खो जाता हूँ मैं। मोहब्बत लिखने से कतराता हूँ मैं, कुछ इस कदर उसकी यादों में खो जाता हूँ मैं, और वो मासूम सा चेहरा जब भी जहन में आता है मेरे, क्यों मासूम सा चेहरा जब भी जहन में आता है मेरे, यार बस एक 60 ml का घूंट मार के सो जाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। वो मासूम सा चेहरा जब भी जहन में आता है मेरे, यार बस एक 60 ml का घूंट मार के सो जाता हूँ मैं, और उससे रूबरू होने का कोई साधन नहीं यहाँ। एक वर्ड होता है मुंतजर, जिसका मतलब होता है प्रतीक्षक, द वन हू वेट्स, के उससे रूबरू होने का कोई साधन नहीं यहाँ, बस इसीलिए एक वीडियो कॉल को मुंतजर हो जाता हूँ मैं, बस इसीलिए एक वीडियो कॉल को मुंतजर हो जाता हूँ मैं। मतलब मेरा मानना ये है कि झगड़े सब में होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो या बगल वाली हो, तो बहाने भी लगते हैं फिर। तो मैं लिखता हूँ कि वो जब भी कहती है तुम्हें इल्म नहीं मेरे हालात का, वो जब भी कहती है तुम्हें इल्म नहीं मेरे हालात का, उसकी DP देख कर उसके हालात समझ जाता हूँ मैं। शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। वो जब भी कहती है तुम्हें इल्म नहीं मेरे हालात का, वो जब भी कहती है तुम्हें इल्म नहीं मेरे हालात का, उसकी DP देख कर उसके हालात समझ जाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह वो मुझसे गले लगी थी अरसे पहले, कुछ इस तरह वो मुझसे गले लगी थी अरसे पहले, कि उस शर्ट को पहनकर आज भी उसकी खुशबू में खो जाता हूँ, जो शर्ट को पहनकर आज भी उसकी खुशबू में खो जाता हूँ मैं। और आखिरी शेर है कि मैं लिखता तो कुछ खास नहीं, मैं लिखता तो कुछ खास नहीं, मगर उसकी दी हुई कलम पकड़कर खुद में गालिब हो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया।